ऐड की सब्सक्राइब वाला एंड में बोलूँगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना चलनजीत सिंह चहल आज आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एक लेके आने वाला हूँ। जब मैं आज सुबह जिम गया तो वहाँ पे जो मेरे पर्सनल ट्रेनिंग्स हैं या फिर जो लोग मेरे से ट्रेनिंग करते हैं वो मेरे से बहुत क्वेश्चंस करते हैं। तो कई बार हम फ्रंट डेस्क पे भी बैठे हों तो काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं या आपसे आगे पूछेंगे भी या हम ऐसा क्या करें या सर हमें बता दो कुछ कि। और कई लोग हैं जो मेरे साथ के भी हैं ट्रेनर्स या फिर कई काफ़ी जिम्स में जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए। पर मेरे दिमाग में आज सुबह एक आइडिया आया कि आपके साथ वो बात करनी चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं की भी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कभी आपको नहीं करनी चाहिए। जब भी आप जिम्स में जाएंगे लोग आपको बोलेंगे ये करें ऐसे करें वैसे करें डाइट ऐसे करें एक्सरसाइज करें। पर मैं आज आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपने कुछ चीज़ें जो हैं जो नहीं करनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपको सुनने में और देखने में बहुत मज़ा आएगा। एक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा भी, जो आपका अलार्म होता है ना उसको कभी स्नूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो सुबह 6 बजे उठ के लोग करते हैं, अगर आपने कोई अलार्म लगाया है तो वो आपका एक टारगेट आपने फिक्स करके अलार्म लगाया है। अगर आपने उसको स्नूज किया तो आपने अपनी लाइफ को भी स्नूज कर दिया, वो भी उतनी पीछे चली जाएगी जितनी पीछे वो स्नूज जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है भी, जो आपने अलार्म लगाया उसको आप फोकस करके उसी टाइम पे उठें जो आपका टारगेट है उसके लिए प्रिपेयर हों। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने मैंने क्लियर किया भी, नेवर स्नूज योर अलार्म। अपने अलार्म को कभी बंद नहीं करना और स्नूज नहीं करना। अगर आप उसको बंद करके सोगे तो आपकी किस्मत भी सो जाएगी। जब भी लोग आएंगे आपसे पूछेंगे भी सर हम डाइट ऐसे है डाइट वैसे है भी क्या नहीं है, ये खा लूँ या वो खा लूँ, तो कभी भी आप कभी वकील के पास जाते हैं, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, कोई केस डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या आप उसको आइडिया देते हैं भी हम ऐसे कर लेते हैं या ऐसे नहीं करते? तो वो वकील ही आपको बता पाएगा ना अच्छा कि नहीं यार इसको हम ऐसे करेंगे तो आप केस ऐसे जीत सकते हो। आपने कभी भी आर्गूमेंट आपने अपने ट्रेनर से नहीं करना जो भी आपको डाइट बता रहा है भी यार मैं इसकी जगह ये कर लेता हूँ। अगर आपने ही अपनी मर्जी कर रही है तो उसका क्या काम है जिम के अंदर? तो उसको ज़्यादा पता है बिकॉज वो आपको एक्सरसाइज करा रहा है, आपकी बॉडी को वो बहुत अच्छी तरह जानता है तो ही आपको वो अच्छी तरह एक्सरसाइज करा पाएगा। तो नेवर आर्ग्यूमेंट, और कोई आपने उसके सामने बदतमीजी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बिकॉज वो आपका भला ही चाहता है। जब भी आप कभी जिम्स में जाते हैं और टाइमिंग्स को लेके लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है भी, अगर हम जिम आए हैं तो यार मेरे पास तो 30 मिनट ही हैं यार भी, ये कौन सी बात होगी यार 30 मिनट है। ऑफिस में जब जाके आपने कभी बोला यार मैं पूरा दिन आऊँगा मेरे पास 30 मिनट ही हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि लोग आते हैं जिसमें यार मेरे पास तो 10 मिनट ही हैं भाई, 10 मिनट में भाई तो ऐसा कौन सा तीर चला देगा या ऐसी कौन सी चीज़ कर लेगा तेरी बॉडी फिट हो जाएगी यार। तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है अपने लिए। अब मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब आपका बिज़नेस है, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं आप उसको टाइम देते हैं तभी वो अच्छा चल पाता है, तभी आप उससे अच्छा अर्न कर पाते हैं, आपका घर अच्छा चलता है, आपकी इनकम अच्छी होती है। ऐसे ही शरीर है, इसको भी टाइम देंगे तो ही ये ब्यूटीफुल दिखेगा, तो ही अच्छा दिखेगा। तो इसके ऊपर आप काम करें, इसको टाइम दें थोड़ा सा। ये आपका अपना शरीर है, किसी और का नहीं है, ये आपका अपना है। इसको अगर आप टाइम दोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और अगर आपको कल को कोई बीमारी लगी तो ये पैसा भी किसी काम का नहीं है, ये बीमारियों में जाएगा। तो इस करके इसे मेनटेन करें, तो अपने शरीर की तरफ जरूर ध्यान दें। तो अपने टाइमिंग को बिल्कुल ठीक करें, टाइमिंग के साथ ऊपर नीचे ना करें। अगर आप एक दिन में 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसा जीने का यार। तो अगर आप लोग कहते हैं कि मैंने सबसे अलग दिखना है तो उसके लिए आपको कुछ अलग करना भी पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी फिनोमिनल डू फिनोमिनल। अब ज़्यादातर अब लोग देखिए यंगस्टर्स आते हैं जिम के अंदर जिनकी अभी +1 +2 हुई है, नए नए पढ़ाई से भी निकले कॉलेज जाने लगे हैं, तो उनको जिम जाने का बड़ा शौक होता है कि कॉलेज जाए कपड़े अच्छे लगे हमारे डाले हुए, लोग हमें अप्रिशिएट करें। तो सबसे पहले जब वो जिम में आएंगे आते ही वेट उठाना शुरू करते हैं, ओ 50 किलो उठा रहा है, कोई 40 किलो उठा रहा है, ये कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उनको ये चीज़ समझाता हूँ। मेरे से आगे पूछेंगे सर कितना वेट लगाऊँ? यार मैं तो बोलूँगा 50 किलो लगा ले तो तू लगा लेगा भाई? नहीं लगा सकता। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए, खाना जो होता है वो स्वादानुसार लगाना चाहिए और जो वेट होता है वो औकात अनुसार लगाना चाहिए। जितना तुम उठा सकते हो उसके हिसाब से उतना वेट लगाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी लगाओगे और आपका मसल बिल्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट टेक टाइम लगता है हर चीज़ को। दूध भी गैस पर रखते ही नहीं उबल जाता, उसको भी टाइम लगता है उबलने के लिए। तो ऐसा ही शरीर है, इसको भी बनने में टाइम लगता है। तो ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग ज़्यादातर जब जिम्स में आते हैं तो वो मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं अपना, है ना। तो छोटी सी बात हो कोई नाली मोबाइल उनका मतलब ऑन द फेस, मतलब नाल साथ ही है उनके। मतलब वो मेरे को लगता है मरने के बाद मोबाइल साथ ही लेके जाएंगे ऊपर, जैसे नेटवर्क आना है इनका भी यार। 1 घंटा अगर अपने आप को, अगर आप एक घंटा अपने मोबाइल को छोड़ दोगे तो ऐसी कौन सी आपकी करोड़ों की डील मिस हो रही है कुछ हो जाएगा उससे। ऐसा नहीं है, मोबाइल कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप देखिए, लोग ट्रेडमिल कर रहे हैं, वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और इट्स हार्मफुल। अगर आप ट्रेडमिल से गिर गए आपको चोट लग सकती है, क्योंकि आपका ध्यान लेफ़्ट राइट हो सकता है। अभी आपका फोकस नहीं होता जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मतलब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक सेट लगाया उसके बाद मोबाइल में लगे हुए हैं, चैट कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी की कॉल आ रही है, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान ही नहीं है। सो मोबाइल नहीं यूज़ करनी चाहिए। लोग जो हैं जब एक्सरसाइज करने आते हैं जिम में, तो उनका जो फोकस है वो क्लियर नहीं है उनका, मतलब कि वो क्या करना चाहते हैं अपने साथ या फिर क्यों करना चाहते हैं, तो उनका वो फोकस क्लियर नहीं है। मैं चाहूँगा कि जो उनका माइंड का कंसर्न है ना, वो उनके मसल के साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका वो नहीं होगा तब तक आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या चीज़ करनी है। जब तक आपका माइंड ही नहीं है वहाँ पे, तो आपका माइंड इधर उधर घूम रहा है, तो आप उस चीज़ को नहीं परफॉर्म कर सकते अच्छी तरह। तो सबसे पहली बात, आपका माइंड जो है आपके मसल के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका कंसर्न बेसिकली मेरा आपको समझाने का ये है, माइंड और मसल का कंसर्न होगा तो उसमें ब्लड फ्लो होगा, तो वो गेन होगा। आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आप कहीं सोच रहे हैं, और लेट एग्जांपल आप कुछ अपने घर में आपकी लड़ाई हो गई है या कुछ हो गया है, चलो 100 चीज़ें होती हैं, आप अब वो सोच रहे हैं, तो ऑब्वियस है ना, एक्सीडेंट हो गया यार, आपका ध्यान ही नहीं आपकी ड्राइविंग की तरफ। तो ऐसे ही लोगों को इंजरीज होती हैं, वो लिफ्ट कर रहे होते हैं, दिमाग कहीं और होता है, तो हल्की सी गलती 2 सेकेंड के अंदर आपको इंजरी हो सकती है। कभी भी अपना फोकस जो है वो आपने नहीं खोना है, वो फोकस अपना जरूर रखना है उसके ऊपर, कभी भी जो भी आप चीज़ कर रहे हैं। सो ये मेरे पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लिंक दिया गया, आप उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ का और मज़ा लें, और मैं आपके सामने और वीडियो लेके आता रहूँगा ऐसे।